नमस्कार दोस्तों, हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे खाने के ऊपर खर्च होता है, लेकिन दुख तब होता है जब वो खाना वेस्ट होता है और उसमें खर्चा जरूरत से ज्यादा होता है। 3 लोगों की अगर फैमिली है तो उसमें खर्चा अगर आपका जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकने की जरूरत होती है। कुछ टिप्स को, कुछ आइडियाज को, कुछ तरीकों को फॉलो करके हम किचन में होने वाले फूड वेस्टेज को रोक सकते हैं, साथ ही साथ अपने किचन में थोड़ा बहुत पैसा भी बचा सकते हैं। किस तरीके से आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर कहीं वीडियो पसंद आता है, कोई भी टिप्स पसंद आती है, कोई भी तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार खाने में जैसे दाल वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़ी बहुत बच जाती है, तो वो अगले दिन ना खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती है, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक बड़े साइज की अनियन लेनी है, एक कैप्सिकम लेनी है ग्रीन वाली, और एक लेनी है गाजर। गाजर को और अनियन को, कैप्सिकम्स को, सभी को साफ करके वॉश करके कट कर लेना है रफली, और इसको चॉप कर लेना है। अब मैंने लिया है गेहूं का आटा लगभग 2 कप के करीबन, और उसमें डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, दिल्ली पराठा मसाला, और डाला है नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और इसके अंदर डाल दी है दाल। दिल्ली पराठा मसाला की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अन्वेशा क्रिएटिविटी दिल्ली पराठा मसाला सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा आपको। तो वो 2 चम्मच डाला है मैंने, और ये जो चॉप करके रखा हुआ था ना मैंने, जो अनियन वगैरह जो थी उसको मैंने डाल लिया है। और इस सभी मिक्सचर को सिर्फ ऐसे ही हाथ से मैश करके आपको एक बहुत ही अच्छा आटा गूंद लेना है। इस आटे में पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके अगर आपको लगे ज़रूरत तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, वरना ये ऐसे ही गूंद जाता है क्योंकि दाल में मॉइस्चर रहता है। इस दाल के आटे के पराठे अगर आपने एक बार बना लिए ना तो आप हमेशा इसको बनाने वाले हैं। इस तरीके से आपकी लेफ्ट ओवर दाल वगैरह का रीयूज़ हो जाता है, घर के खाने में थोड़ी सी बचत भी हो जाती है, वेस्ट होने से बच जाता है। दाल के पराठे को आप अचार, दही, चटनी वगैरह के साथ में सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप कर लेते हैं कुछ बेसिक सी बातें। जब भी आप ग्रॉसरी लेते हैं तो उसकी हमेशा एक लिस्ट बना करके लेकर के जाएं, और उससे पहले घर में ज़रूर चेक कर लें कि आपके घर में क्या ग्रॉसरी नहीं है, सिर्फ वही आइटम परचेज करें। लिस्ट बनाने से हमारी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं आती हैं। और हाँ, अगर हम 2 या 3 महीने का राशन एक साथ भरते हैं तो उसमें क्या रहता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम राशन लेकर के रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह लगने का चांस रहता है, इन केस अगर हम उसकी देखभाल नहीं करते या उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं करते। तो स्टोर करने का तरीका भी हमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, वेजिटेबल हो या पल्स एंड ग्रेन्स हो, सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने का एक तरीका अगर हमें नहीं आता है तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने चीज़ों को स्टोर किया है तो वो लंबे समय तक अच्छे से रहती हैं। अब जैसे दालें वगैरह मेरी जो रहती हैं उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें डाल करके रखती हूँ, जिससे कि मेरी जो दाल वगैरह है उसमें कीड़ा नहीं लगता, ख़राब नहीं होती हैं, जाला वगैरह नहीं पड़ता है। जैसे कि तेजपात का पत्ता वगैरह जो होता है, तेजपत्ता जिसको बोलते हैं, उसको आप डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हैं पोटली बना करके, एक मैंने आपको मेडिसिन भी बताई थी वो भी दाल के अंदर डाली जा सकती है झंडू की। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप डाल करके रखते हैं तो प्रिजर्व रहती हैं चीज़ें, आपकी ग्रॉसरी है जो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन इससे अच्छा है कि कोशिश करें कि इतनी ही ग्रॉसरी परचेज करें कि आपकी 1 मंथ तक चले। हाँ, थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा रखनी है तो वो रखी जा सकती है, लेकिन जैसे 3-4 महीने का राशन एक बार में रख लेते हैं तो उससे बचना चाहिए, स्पेशली विंटर या बरसातों में, क्योंकि बरसातों में और विंटर में मॉइस्चर थोड़ा सा रहता है, डैम्पनेस रहती है, इसकी वजह से ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जिन दिनों में धूप नहीं निकलती है उन दिनों में तो ये बहुत जल्दी इनकी केयर करनी पड़ती है हमें। इसके अलावा देखिए, मार्केट से हम बहुत सारे तरह के मसाले परचेज करते हैं, इस तरीके के डब्बा पैकेट बंद, और ये 100 ग्राम का पैकेट लगभग 100 रुपीज़, 90 रुपीज़। ये देखिए, मैंने एक मसाला देखा है गरम मसाला, ये 92 रुपीज़ का है 100 ग्राम का पैकेट। तो ये मसाले हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, इन्हीं मसालों को हम घर पर बहुत ही आसानी से सस्ते में बना सकते हैं। आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 2 मसाले, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप साबुत धनिया, आधा कप जीरा, आधा कप दालचीनी पाउडर। इसके अलावा 8 से 10 मैंने लिए हैं तेज पत्ता, आधा 1/4 कप जो है वो मैंने ली है लौंग, 15 से 20 हरी इलायची, 1 जायफल, 2 चम्मच के करीबन मैंने ली है काली मिर्च, और 2 चम्मच ही लिया है मेथी दाना।
तो इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में हमें एक मसाला तैयार करना है जो कि रहेगा सब्ज़ी मसाला, और वो आप सब्ज़ी में डाल करके किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मसाले को हमेशा ही यूज़ नहीं करना है, कभी कभी यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट लगेगा। अगर रोज़ ही यूज़ करने लगेंगे ना तो फिर वो सारी सब्ज़ियाँ एक जैसी लगती हैं। तो चलिए बना लेते हैं इस मसाले को। एक एक करके भी आप रोस्ट कर सकते हैं और एक साथ भी सभी मसालों को रोस्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले धनिए को रोस्ट कर रही हूँ। हैवी वेट पैन के अंदर लेकर के धनिए को डाल दिया है मैंने, और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें हल्का सा भून लेना है। इसी में मैंने काली मिर्च और लौंग डाल दी है। इसके अलावा जो चीज़ें और भी भूनने वाली हैं, जैसे कि मेथी दाना है, उसको भी मैंने डाल दिया है। इसके अलावा ज़ीरा भी डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। हल्के रोस्ट किस तरीके से करते हैं, जैसे धुआं हल्का सा आने लगता है ना, उस तरीके से आप इसको जब धुआं आने लगेगा ना तो बंद कर देंगे। इसी में मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। हरी इलायची और जायफल को अलग रख देंगे, इनको अलग से थोड़ा सा रफली कूट लेंगे पहले। और ये मसाले मेरे भुन गए हैं, अब इसी के अंदर मैंने ये डाल दिया है। दालचीनी का पाउडर जो था वो मैंने अलग से डाला है इसी मसाले के अंदर, और डाली है मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्ची ले सकते हैं, 5 से 6। मेरे पास साबुत लाल मिर्ची नहीं थी, इसीलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को पहले ठंडा होने के लिए देना है, फिर हमें कर लेना है ग्राइंड बिल्कुल अच्छे से। सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में थोड़ी देर के लिए हम एज इट इज रख देंगे, जिससे कि इसके अंदर जो गर्माहट बन जाती है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। उसके बाद में हम सभी मसालों को छान लेंगे। मसाले छानने के बाद में भी लगभग 5 से 10 मिनट तक मैं एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, जिससे कि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया हो ना तो वो भी निकल जाए हवा के साथ। और इसके बाद में मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। और लेबलिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, सारे मसाले एक जैसे लगते हैं देखने में, कई कई मसालों की पहचान नहीं होती। तो लेबलिंग करने से आपकी जो चीज़ें हैं वो ईजीली विजिबल रहती हैं, और आपकी एब्सेंस में कोई दूसरा भी अगर कुक कर रहा है या किसी को कुछ चाहिए तो उनको ढूंढने में आसानी रहती है। ट्रांसपेरेंट जार हों या फिर आपके प्लास्टिक के जार हैं या स्टेनलेस स्टील के जार हैं, सभी में लेबलिंग करने से अच्छा रहता है और देखने में सुंदर भी लगता है। मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का सब्जी मसाले वाला लेबल लगा दिया है। अब मेरा यह सब्जी मसाला तैयार हो गया है। इसको मुझे जब भी कोई सब्जी बनाऊंगी इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला मैं डाल दूंगी, और सब्जी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अब बना लेती हूँ एक और मसाला, जो मैं पंजाबी गरम मसाला। इसमें ना थोड़ा डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। इसमें मैंने 2 कप लिया है धनिया, 1 कप लिया है ज़ीरा, 1/2 कप लिया है मैंने ये काली मिर्ची, इसके अलावा 1/2 कप ली है मैंने लौंग। लौंग थोड़ी कम करके भी ले सकते हैं। जावित्री ली है मैंने, और जितनी मैंने इलायची ली है ना इतनी ही मैंने जावित्री ली है। और ली है मैंने 1/2 कप सौंफ, इसमें सौंफ ज़रूर जाती है। लौंग भी मैंने ली है। इसके अलावा इसमें लिए हैं थोड़े से तेज पत्ता। इसमें लेनी है दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी लेनी है, लगभग 2 स्टिक ले लीजिए। मेरे पास दालचीनी का पाउडर है तो मैं उसी को मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैंने क्या किया है, लगभग 2 दिन के लिए मैंने इसको धूप में रखा है। धूप में रखने से ना ये बहुत अच्छे से इसके अरोमा वगैरह आती है, इसलिए इसमें जब भी इसको ग्राइंड करें तो पहली चीज़ तो इसको धूप में ज़रूर रखना है। चीज़ इसको एक साथ हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी इसको थोड़ा सा भून सकते हैं, तवे के ऊपर इसको भूनना है। और अगर एक साथ भूनना चाहे तो एक साथ इसको थोड़ा सा सेक लेंगे हम। तो मैंने तो एक साथ ही मिला लिए हैं ये सारे मसाले। अब इनको एक साथ ही मैं पहले थोड़ा सा तवे पर या पैन में मैं थोड़ा सा भून लूँगी इनको। सभी मसालों को मैंने एक साथ डाल दिया है पैन में, और हैवी वेट पैन में डाल करके इसको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। जब इसके अंदर से धुआं आना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को बंद कर देंगे, और जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, कुछ फ्रेंड ना मुझसे पूछ रहे थे अन्वेषा के बारे में कि मिठी आ गई है या नहीं, तो हाँ जी, मेरी बेटी अन्वेषा आ चुकी है अपने ट्रिप से, वो बिल्कुल ठीक है। मैं मिलाऊंगी अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में आप सबके साथ में उसकी मुलाकात करा दूंगी। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतनी कंसर्न दिखाया और
आप भी हमें अपना परिवार समझते हैं, मैं तो आपको अपना परिवार समझती ही हूँ, आप भी अपना परिवार समझते हैं इसीलिए पूछते हैं, अच्छा लगता है ये जान करके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये देखिए मेरा मसाला भी भुन गया था, जब ठंडा हो गया तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद में मैंने इसको छान लिया। अब दो मसाले मेरे बन करके तैयार हो गए, सब्जी मसाला और पंजाबी गरम मसाला। इसको आप किसी भी करी वाली डिश में डाल सकते हैं। मैं तो नॉनवेज वगैरह नहीं बनाती, लेकिन हाँ अगर आप नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से अरोमा देता है। दोस्तों विंटर में जब हम ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ करते हैं तो कई बार थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ यूज़ होती हैं और थोड़ी हम बचा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी जो बची हुई सब्जी होती हैं वो यहाँ वहाँ रखे रखे ही सूख जाती है और उनका यूज़ नहीं होता। इनके लिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी, जो कि आप सर्दी में बच्चों को भी दें, पूरी पोषण से भरपूर है। ये है हरी मेथी, जिसको मैंने बिल्कुल थोड़ी सी थी और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद में इसको वॉश कर लिया है। यहाँ पे ली है मैंने मूंग की धुली दाल और लाल वाली मसर। लाल वाली मसर ली है मैंने लगभग 2 मुट्ठी के करीबन, और आधा कप ली है मैंने मूंग की धुली दाल। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, जितना भी गंदा पानी था उसको निकाल दिया है। इसके बाद में मैंने एक प्रेशर कुकर में इन दाल को डाल करके ऐसे ही बिना कुछ डाले मैं उबाल लूँगी। जब एक उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर ये जो झाग आते हैं ना, इन झाग को हम निकाल देंगे। इन झागों को निकालने से ये बेनिफिट होता है कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम जो रहती है ना वो नहीं होती है। तो ये जब झाग निकल गए, जितना हो सका मैंने निकाल दिया। इसके बाद में इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा एक पिंच हींग डाल करके मैं एक सीटी लगाने तक इसको कुक कर लूँगी। जस्ट एक विसल आएगी तब तक मैं उस मेथी का काम कर लेती हूँ। और मेथी के लिए मैंने एक हैवी वेट पैन में, यानी कि ये मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा ज़ीरा, और डाली है एक चुटकी हींग। इसके बाद में अदरक और लहसुन को मैंने कूट करके रख लिया था, उसको डाला है। ऊपर से डाल दूंगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और हल्की सी एक पिंच हल्दी। इसके बाद में जो ये मैंने मेथी धो करके रखी थी ना, उस मेथी को डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डाला है जिससे कि ये पक जाए। अब इसको ढक करके पका लूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक करके पका लूँगी, जिससे कि इसका कड़वापन और कच्चापन दोनों निकल जाए, ये अच्छे से सिक जाए और इसका मॉइस्चर भी जो है रिड्यूस हो जाए। इधर मेरी ये मेथी तो पक गई है, इधर मेरी दाल भी बन गई है, और आप देखिए ये दाल बहुत अच्छी हो गई। अब इस दाल को मैं इसके अंदर डाल करके अच्छे से चला दूँगी, और थोड़ी सी इसको पतली रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक रहती है ना, गाढ़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं इसमें एक स्पेशल तड़का दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने देसी घी में थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, हल्की सी हींग ली है, और लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची, ऊपर से तड़का दिया है। और ये दाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप एक बार ही ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा यमी बनती है, पोषण से भरपूर है, इसमें मेथी के गुण हैं, दाल तो अच्छी होती ही है, और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अगला टिप है दोस्तों, हम बच्चों के लिए अक्सर भूख, छोटी छोटी भूख के लिए ना डब्बा बंद पैकेट बंद खाना लेकर के आते हैं और वो उनको खिलाते हैं, जिससे हमारा पैसा तो बहुत खर्च होता ही है, हम उनकी सेहत के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो छोटी छोटी भूख के लिए इस तरह के छोटे छोटे से स्नैक्स अगर आप अपने घर में बना करके रखते हैं, तो एक तो ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं, आपको पता है कि इसमें आपने क्या मिलाया है, दूसरा ये बाज़ार के एक पैकेट बंद खाने से बहुत सस्ते पड़ते हैं, तीसरा ये बच्चों के लिए हेल्दी भी ऑप्शन होते हैं। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, आप उनको किस तरह का देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे से भूख के लिए ये मंचिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप रखते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा बचता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी ख़राब भी नहीं होती, तो आप इनको लगभग 2 से 3 महीने तक रख करके खा सकते हैं। तो ग्रोसरी में कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करते और वो रखी रहती हैं, तो उनको समय रहते आप धूप ज़रूर लगाया करें, उससे उसमें कीड़ा वगैरह नहीं पड़ता और उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि धनिया वगैरह रहता है, उसको मैं शेड में सुखाती हूँ, दलिया वगैरह रहता है, इसको 1-1.5 महीने तक चलाना होता है, तो इनको मैं जैसे कई बार ज़्यादा आ गया है तो उसको मैं थोड़ा सा धूप में सुखाती रहती हूँ टाइम टाइम पर, तो ये लंबे समय तक ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। इसके अलावा अगर आप इसको घर में ही निकलवा सकते हैं, जो घर के गेहूं से अगर आप दलिया दलवाते हैं तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे टिप्स और आइडियाज़ के साथ में बचत करके आप
किचन में हर महीने थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। एक टिप और मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि किचन में खाना केवल उतना ही बनाएं जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पोर्शन में अगर हम खाना बना लेते हैं तो फिर वो बच जाता है और कई बारी नहीं खाने की कंडीशन में फिर वो फिक करके जाता है। पहली बात तो इस तरह की कंडीशन आनी नहीं चाहिए, फूड वेस्टेज बहुत ही गलत चीज़ है। अगर ऐसी कंडीशन कभी कभी आ भी जाती है तो आप किसी को पूछ सकते हैं जो खाना खा सकता है, अदरवाइज आप डॉगीज वगैरह को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आप सबके साथ में शेयर करनी थी, उम्मीद है आपके काम की रही होंगी। कुछ भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।